और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने वृंदावन में बांके बिहारी राधा रमण सहित कई मंदिरों में दर्शन पूजन किए। यहां पर वो मंदिर में चल रहे हरिनाम संकीर्तन में भी शामिल हुए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर एक बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मिला समय मिला तो भगवान के चरण में माथा टेकने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और जहाँ पर बंगाल के साथ माता श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब यहाँ पर आया और बहुत सारा मंदिर का प्रतिष्ठा किया, उसमें से ये राधा रमन जी का जो मंदिर है ये इसका एक ऐतिहासिक प्रेक्षापट है, तो इसमें आने का बहुत पहले से ही इच्छा था। और आज यहाँ पर आने के बाद संध्यारती भी हुआ और उसके साथ साथ मन को बहुत प्रसन्नता भी मिला। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा जितना भी भक्त यहाँ पर आते हैं सबको एक बार राधा रमन जी का दर्शन करना चाहिए। और मैं सारे जो जितने भी यहाँ पर मंदिर है सब मंदिर में तो जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं प्रयास करूँगा जितना भी यहाँ का मंदिर है जितना भी मठ है सभी में एक बार जाने का मेरा बहुत इच्छा है। तो आज काफ़ी मंदिर में गया और दर्शन भी किया और प्रसाद भी लिया, सब मिलाकर जो है आज का दिन में बहुत भव्य दर्शन हुआ। और न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से जब सवाल पूछा गया कि 400 पार अगर मोदी लाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि वो इसलिए ही मेहनत करते हैं ताकि विपक्ष मजबूत बन सके। कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, उड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए। उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं? और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहाँ करना, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतने सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकग्नाइज ऑपोजिशन बने। और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा, हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 2019 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठाता, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। देखिए फिर भी मैंने किया है। आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी हुतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया। हुतम सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता और स्याही फेंकने वालों के हाथ और जीप काटने वालों पर 11 लाख का इनाम रखा था। इस मामले में हुतम सिंह पर धारा 500, 504, 506, 295A, 295/67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू सभा के शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी पर केस दर्ज हुआ है। शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी हुतम सिंह के खिलाफ इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। जूता फेंकने वालों पर इनाम रखने की बात की थी, हाथ काटने पर काटने वालों पर इनाम देने की बात की थी। अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है, हुतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
और हरदोई में डबल डेकर बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 24 से अधिक यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस नेपाल के नासिक जा रही थी, तभी तेज रफ्तार के चलते ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और बस खाई में गिर गए। हादसे में की जानकारी जैसे ही पुलिस वालों को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सीएससी शाहबाद में भर्ती करा दिया गया है। शाहबाद पाली रोड पर यह हादसा हुआ।